एग्जिट पोल के आंकड़ों ने तो इशारा कर दिया कि इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सुनामी आने वाली है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता एग्जिट पोल देखने के बाद फूल के कुप्पा हुए जा रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे जो आ जाए हैं वो काफी उत्साहजनक हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो परिणाम आएगा 11 तारीख को वो और भी अच्छा आएगा। दिल्ली की जनता ने काम के नाम पर वोट दिया है। मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि 2015 का रिकॉर्ड 2020 में दिल्ली की जनता तो आम आदमी पार्टी के हक में आंकड़े आते दिख रहे हैं तो वो उत्साहित हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद भी दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी दिल्ली में कम से कम 48 सीटें जीतेगी और सरकार बीजेपी ही बनाएगी। ये एग्जिट पोल 11 तारीख को बुरी तरह हो जाएंगे फेल। बीजेपी 48 से ज्यादा सीटों के साथ इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मैं बस इतना प्रार्थना करता हूं, मैंने ट्वीट किया है उसको संभाल के रखे सब लोग, हमें 11 को बात करेंगे। और प्लीज़ मेरी प्रार्थना है कि अभी से ईवीएम को दोष देने का माहौल न बनाएं। मनोज तिवारी के अपने दावे हैं, लेकिन मीनाक्षी लेखी को तो एग्जिट पोल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल्स इन्होंने हफ्ता दो हफ्ता पहले कब का आंकड़ा निकाला हुआ है। हम तो पूरा दिन क्षेत्र में घूमे हैं और सब तरफ चारों तरफ लोगों से बातचीत करके आए हैं और अभी भी हम कैलकुलेशन ले रहे थे कि कितना बूथ किस बूथ पे कितना लोग निकले, कहाँ कम हुआ कहाँ ज़्यादा हुआ। मुझे एग्जिट पोल पे मैं कमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि लगातार हर चुनाव में या बहुत सारे चुनाव में एग्जिट पोल फेल किए हैं। हम एग्जैक्ट पोल पे विश्वास करते हैं और एग्जैक्ट पोल 11 तारीख को होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांग्रेस भी चुनावी लड़ाई में है। एग्जिट पोल में जिसका एक बार फिर खाता तक खुलते नहीं दिख रहा, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के मुखिया की माने तो परिणाम बदलेंगे। पहले भी एग्जिट पोल ने हरियाणा के बारे में 8 सीटें कही थी, महाराष्ट्र में टोटल मिला के बहुत कम सीटें बताई गई है, लेकिन दोनों के उस वक्त भी दोनों स्टेटों के लिए एग्जिट पोल फेल हुए। अब भी मुझे पूरा यकीन है कि जो भी एग्जिट पोल है टोटली रॉन्ग है। परिणाम क्या होंगे वो तो 11 फरवरी को मालूम चलेगा, मगर एग्जिट पोल के अनुमानों ने बीजेपी और कांग्रेस की पेशानी पर बल जरूर ला दिया है। आज तक ब्यूरो।